हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम सुपर 100 यानी रैपिड सेंचुरी ट्रांसलेशन के लेकर चलते हैं, जो कि आईडियम्स से संबंधित कुछ ट्रांसलेशन ऐसे होते हैं जो आईडियम्स से रिलेटेड ट्रांसलेट किए जाते हैं, उनको आज लेकर के हम चलेंगे, जिसका नाम है रैपिड सेंचुरी यानी शतक पूरा जो है कंप्लीट करेंगे ट्रांसलेशन का, और बहुत शीघ्रता से। इसलिए जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और जो है अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। तो देखते हैं, सेंचुरी स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन की, बहुत जल्दी जल्दी जो है सेंटेंस होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं गलती से रस्सी को सांप समझ बैठा, तो आई टूक द रोप फॉर ए स्नैक, ट्रांसलेशन यह बनकर आपका तैयार हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्वास्थ्य ही धन है, तो ये मुहावरा है, स्वास्थ्य ही धन है, तो इसके लिए बनेगा हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है, क्या क्या बनेगा, हेल्थ इज वेल्थ। फटाफट इसको आप करते ट्रांसलेट करते चलिए, देखते चलिए। सेंटेंस है, मैं सदैव उसकी सेवा में उपस्थित हूँ, तो यह हो जाएगा आई एम ऑलवेज एट हिज डिस्पोजल, आई एम ऑलवेज एट हिज डिस्पोजल। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यहाँ पर लेन देन नकदी में होता है, जैसे दुकानों पे आप लोगों ने हिंदी में लिखा देखा होगा, तो हो जाएगा टर्म्स स्ट्रिक्टली कैश हियर, यानी टर्म्स स्ट्रिक्टली कैश हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है, तो इसका हो जाएगा वी आल मिस यू वेरी मच, वी आल मिस यू वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, जैसे लोगों को कहते हुए सुना होगा यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, दिस बुक हैज़ बीन सोल्ड लाइक हॉट केक्स, लाइक हॉट केक्स इसका बनेगा हाथों हाथ बिक गए। नेक्स्ट, बहुत सी नदियों में बाढ़ आई हुई है, तो यह बनेगा मैनी अ रिवर इज इन स्पाइट, क्या बनेगा, मैनी अ रिवर इज इन स्पाइट, यानी इस प्रकार से ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मेरी सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो इसका बनेगा माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम, माई एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम। नेक्स्ट, यह तो केवल फिजूल का बहाना दिखाई देता है, यह जो है बनेगा दिस सीम्स टू बी ओनली अ लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज आइडियम होता है, ओनली अ लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। नेक्स्ट है, वह तो अपनी उम्र के हिसाब से लंबा है, तो ही इज टाल फॉर हिज एज, ही इज टाल फॉर हिज एज। फटाफट इन सेंटेंस को देखते चलिए, समझते चलिए। नेक्स्ट है, वह स्वयं को चिकित्सक कहता है, तो ही पाजेज फॉर ए डॉक्टर, आप जो है ही कॉल नहीं लगाएंगे, ही पाजेज फॉर ए डॉक्टर। नेक्स्ट है, यह खोटा सिक्का है, जिसे आप लोग कहते हैं खोटा सिक्का, तो हो जाएगा इट इज ए बेस क्वाइन, खोटा सिक्का के लिए कहते हैं बेस क्वाइन, जिसे लोगों को कहते हैं सुना वो खोटा सिक्का है, तो बेस क्वाइन। आपका यहाँ आना कैसे हुआ, यह सेंटेंस जिसे आप किसी से पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, तो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, क्या बनेगा, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, जीवन फूलों की सेज नहीं है, यानी फूलों की सेज मतलब बहुत आसान काम, तो बन जाएगा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, क्या बनेगा, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो, जैसे उल्लू सीधा करना लोगों को कहते हुए सुना होगा, तो डोंट ट्राई टू ग्रिंड योर ओन एक्स, क्या बनेगा, डोंट ट्राई टू ग्रिंड योर ओन एक्स। नेक्स्ट, मैं दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ, तो इसका बनेगा आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू, आई एम इन अ फिक्स व्हाट टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे साफ मना कर दिया है, जिसे लोगों को कहते सुना हो साफ साफ मना करना बढ़िया होता है, तो ही गेव मी अ फ्लैट रिफ्यूजल, फ्लैट रिफ्यूजल मीन साफ साफ मना करना। नेक्स्ट है,
एकता में बल है। ये बहुत कहावतें सुनी होगी कि एकता में बल है, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या बनेगा? यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसकी चालाकी ताड़ गया, यानी कहते हो मैं जो है उसकी चालाकी ताड़ गया, यानी उसकी बात को समझ गया। तो आई सा थ्रू हिज ट्रिक, चालाकी ताड़ने की होती है ट्रिक, थ्रो हिज ट्रिक। नेक्स्ट, वह सूख कर कांटा हो गई, यानी बहुत कमज़ोर हो गई, सूख कर कांटा होना। तो सी इज रेड्यूस्ड टू अ स्केल्टन, स्केल्टन मीन्स होता है हड्डियों का ढांचा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम यह उसके मुंह पर कह सकते हो? कहते हैं मुंह पर कहना, किसी बात को मुंह पर कहना, तो ये कैन यू से इट टू हिज फेस, माउथ नहीं लगेगा, टू हिज फेस यानी उसके सामने। नेक्स्ट, वहाँ क्या हो रहा है, जैसे आप लोग कहते हो वहाँ क्या हो रहा है, तो व्हाट इज अप देयर, वहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज अप देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, कदा इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्या सेंटेंस है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन, क्या बनेगा, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने भरपेट खाना खाया, यानी लोगों को कहते सुने होगा भरपेट खाना खाने की बात, तो दे ऐट टू देयर फिल, ईट टू देयर फिल मीन्स होता है भरपेट खाना खाना। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने दिल खोल कर बातें की, बहुत ढेर सारी बातें की, कहने का मतलब है साफ साफ बातें की, कुछ छुपाया नहीं, तो वी हैड ए हार्ट टू हार्ट टाक, वी हैड अ हार्ट टू हार्ट टाक। नेक्स्ट, यह विचार तो मुझे सूझा ही नहीं, तो दिस आइडिया did not strike me, यानी this idea did not strike me, ये विचार तो मुझे सूझा ही नहीं। next sentence, उसने मुझे लड़ने के लिए ललकारा, उसने मुझे लड़ने के लिए ललकारा, तो he dared me to fight with him, he dared me to fight with him। next sentence, बच्चे छोटी छोटी बातों पर बिगड़ पड़ते हैं, तो चिल्ड्रन फॉल आउट ओवर ट्रिफल्स, ओवर ट्रिफल्स मीन्स होता है छोटी छोटी बातों पर, व्यर्थ की बातों पर जो है लड़ना झगड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल स्वार्थ का ज़माना है, जैसे लोगों को कहते हुए सुना होगा आजकल स्वार्थ का ज़माना है, तो सेल्फिशनेस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, यानी इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने बोले, लोगों को कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने, तो ही डेयर नॉट स्पीक बिफोर मी, ही डेयर नॉट स्पीक बिफोर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कहता वह बेशर्म है, लोगों को कहते हुए सुना होगा, तो बनेगा ही इज सेम प्रूफ, जैसे वाटर प्रूफ आप लोग कहते हैं वैसे बेशर्म की होती है सेम प्रूफ, ये मुहावरा है, ध्यान रखना आप लोग, ऐसे ना समझ लेना। नेक्स्ट है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, नाक में दम सुना है आप लोगों ने, तो हो जाएगा ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, क्या बनेगा, ही हैज गॉट ऑन माई नर्व्स, ये बनेगा। नेक्स्ट, मैं उससे झगड़ने की हिम्मत नहीं करता, ये आपने सुना होगा लोगों को कहते हैं मैं उससे झगड़ने की हिम्मत नहीं, जो कमज़ोर होता है वो कहता है, तो आई डेयर नॉट क्वेरल विद हर। नेक्स्ट सेंटेंस, लिखने में गलती हो गई, जैसे आप ही लोग एक्सक्यूज करते हैं कभी कभी कि लिखने में गलती हो गई, दिस इज ओनली अ स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में गलती होना होता है स्लिप ऑफ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, कहता भगवान पर भरोसा रखो ठीक काम करो, लोग अक्सर कहा करते हैं, तो हो जाएगा ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, कह रहा है हाल खचा खच भरा था, तो खचा खच भरने की होती है पैक्ड टू कैपेसिटी, तो सेंटेंस हो जाएगा द हाल वाज पैक्ड टू कैपेसिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, कह रहा है नीम हकीमों से बचो,
नीम हकीमों से बचो, यानी धोखेबाजों से बचो, तो क्या हो जाएगा, बीवेयर ऑफ क्वैक्स, धोखेबाजों से बच कर रहो। नेक्स्ट सेंटेंस, यह तुम्हारा काम नहीं है, तो लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है या तुम्हारा काम नहीं है, तो इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी जान में जाना है, जिसे कहते हो जान में जाना ना, तो जा ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, क्या बनेगा, ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट सेंटेंस, लेन देन नकद, अभी आपने पीछे जो है रिपीट हो गया है, तो लेन देन नगद, तो लेन देन नगद का बनता है टर्म्स इन कैश, टर्म्स इन कैश। नेक्स्ट सेंटेंस, कहता जरा देखो कितना समय है, जरा देखो कितना समय है, तो जस्ट सी व्हाट इज टाइम, क्या बनेगा, जस्ट सी व्हाट इज टाइम, जैसे किसी समय पूछना हो तब आप ये बात कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल मेरी जेब खाली है, यानी आप लोग कहते हैं लॉकडाउन के दौरान मेरी जेब खाली है, तो हो जाएगा आई एम इम्पटी पॉकेट दीज डेज, क्या बनेगा, आई एम इम्पटी पॉकेट दीज डेज। नेक्स्ट, सारी कक्षा उसका मजाक बनाती है, ये सेंटेंस है, सारी कक्षा उसका मजाक बनाती है, तो ही इज द बट ऑफ द क्लास, मजाक कक्षा मजाक बनाना होता है, बट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट, उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसकी आंखों में आंसू भर आए, तो टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज, क्या बनेगा, टीयर्स वेल्ड अप इन हिज आइज। नेक्स्ट सेंटेंस, बातें बनाना करके दिखाने से आसान है, लोगों को कहते सुना होगा कि जो है बातें बनाना आसान है करना कठिन है, तो टॉकिंग इज इजियर देन डूइंग, क्या बनेगा, टॉकिंग इज इजियर देन डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वे गाली गलौज से हाथापाई पर आ गए, यानी गाली गलौज से मार तोड़ पे आ गए, तो फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज। नेक्स्ट सेंटेंस, वह प्रायः मूर्खता कर बैठता है, वह प्रायः मूर्खता कर बैठता है, तो ही ऑफन प्लेज द फूल, क्या बनेगा, ही ऑफन प्लेज द फूल। नेक्स्ट सेंटेंस, कहता तुम काम चोर हो, जैसे लोगों को बहुधा कहते सुना होगा कि तुम बहुत काम चोर हो, तो यू आर अ शर्कर, क्या हो जाएगा काम चोर की, शर्कर। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस है, दूध फट गया है, ये अक्सर जो है लोग पूछते हैं, तो इसका हो जाएगा द मिल्क हैज टर्न्ड सोर, मिल्क हैज टर्न्ड सोर, ये आपका हो गया दूध फट गया है। नेक्स्ट, बच्चा दांत निकाल रहा है, तो इसका हो जाएगा द चाइल्ड इज कटिंग टीथ, ये बनेगा, ठीक है, दांत निकालने को होती कटिंग टीथ, बच्चा दांत निकाल रहा है, द चाइल्ड इज कटिंग टीथ। नेक्स्ट, प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं, यानी जैसे इस समय हालात ख़राब हो रहे कोरोना की वजह से, तो आप कह सकते हैं कि थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग डे बाई डे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यह मेरे बस की बात नहीं है, तो हो जाएगा इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, बस की बात नहीं है, बियॉन्ड माई कैपेसिटी, यानी क्षमता से बाहर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कहता है वह तो हाँ में हाँ मिलाना जानता है, जैसे लोग जो है हाँ में हाँ मिलाने वालों को बहुत पसंद करते हैं, तो हो जाएगा ही इज ओनली अ यस मैन, यस मैन मीन्स होता है हाँ हाजूरी करने वाला। नेक्स्ट, यह मकान किराए के लिए खाली है, दिस हाउस इज टू लेट, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा शहरों में टू लेट के जो है बोर्ड टंगे रहते हैं, टू लेट मीन्स होता है किराए के लिए खाली होना। नेक्स्ट, तुमने मुझे एक रुपया कम दिया है, तुमने मुझे एक रुपया कम दिया है, तो यू हैव गिवन मी वन रुपी शर्ट, यू हैव गिवन मी वन रुपी शर्ट, कम दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, अगर इस सेंटेंस को बनाओगे तो हो जाएगा दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली, क्या हो जाएगा, दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली।
नेक्स्ट सेंटेंस कहता है मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो चक्कर खाने की राउंडिंग नहीं लगाओगे, आई एम फीलिंग गिडी। मोस्टली लोग जो है पूछते हैं सेंटेंसेस को, नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए जो आपको समझ जो है अच्छे लग रहे हो। मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, आई कैनॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस। ठीक है, नॉनसेंस मीन्स होता है बकवास। आप कोशिश करें कि सभी सेंटेंस नोट करते चलें और वीडियो को दो तीन बार देखें। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, जिसे आप लोग कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। तो सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं, तो ऑल हिज होप्स आर डूम्ड, ऑल हिज होप्स आर डूम्ड। मिट्टी में मिलना का मतलब होता है डूम्ड। नेक्स्ट सेंटेंस आपने मेरे मन की बात कह दी, तो यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, यानी जो मेरे मन में था, मेरे दिमाग में था, वही आपने कह दिया, यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं वहाँ जाने कोई फ़ायदा नहीं है, तो इट इज़ नो वर्थ वाइल गोइंग देयर, इट इज़ नो वर्थ वाइल गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस जहाँ चाह वहाँ राह, देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, तो जहाँ चाह वहाँ राह का हो जाएगा, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरता रहा, जैसे इस समय की जो है लोगों की स्थिति यही है, तो इसका बनेगा ही नॉक्ड अबाउट फॉर ए जॉब, ही नॉक्ड अबाउट फॉर ए जॉब। नेक्स्ट सेंटेंस वह हर बात में मनमानी करता है, वह हर बात में मनमानी करता है, तो ही हैज हिज ओन वे इन एवरीथिंग, ही हैज हिज ओन वे इन एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस जैसा देश वैसा भेष, तो वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, रोम देश है, रोमन्स जैसा करते हैं रोम में वैसे करो, यानी जैसा देश वैसा भेष, जैसा रहना सभी रहते हैं वैसे तुम भी रहो। नेक्स्ट मैं उसे शक्ल से जानता हूँ नाम से नहीं, तो आई नो हिम बाई फेस एंड नॉट बाई नेम, मैं उसे चेहरे से जानता हूँ, शक्ल से जानता हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, तो ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे, टांग अड़ाने की होती है स्टैंड्स इन वे। ठीक है, मुहावरा स्टैंड्स इन वे, सभी मुहावरे चल रहे हैं आपके। नेक्स्ट है सरसों हाथ पर नहीं उगती है, आप लोगों ने सुना होगा कहावत, तो आइडियम्स हैं, तो सरसों हाथ में नहीं उगती। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम शहर एक दिन में नहीं बनता है, मतलब सरसों हाथ में नहीं उगती है। नेक्स्ट मैंने अपने जीवन का बीमा करा लिया है, तो अजय आई हैव गॉट माई लाइफ इंश्योर्ड, क्या बनेगा, आई हैव गॉट माई लाइफ इंश्योर्ड, बीमा करवाना मतलब सुरक्षित होना। नेक्स्ट तुम्हारी बातों से वह चिढ़ गया, तुम्हारी बातों से वह चिढ़ गया, तो क्या हो जाए, योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक, योर रिमार्क्स कट हिम टू द क्विक्स। नेक्स्ट सेंटेंस वह किताबी कीड़ा है, जो बहुत पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, किताबी कीड़ा, तो इंग्लिश में किताबी कीड़ा को क्या कहते हैं, बुक वार्म, बहुत से लोग बुकिस वार्म लगाते हैं, वो गलत है, तो ही इज ए बुक वार्म, बुक वार्म लगाइए, बुकिस वार्म नहीं। ठीक है, अगला मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हारी बला से, ये लोग अक्सर कहते हैं कि हम जिए या मरें तुम्हारे जो है बला से, तो जाए यू केयर लिटिल वेदर आई लिव आर डाई। नेक्स्ट या तुम्हारे भले की बात है, तो इट इज़ इन योर इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, इट इज़ इन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस है
उसने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसे लोग जो है जो कष्टपूर्ण जीवन गुजारता है और जो है अच्छे हो जाता है बाद में, तो उसके बारे में कहते हैं। तो ही है सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। नेक्स्ट, उसने कुल की नाक कटवा दी, जिसे लोग कहते हैं कि उसने कुल की नाक कटवा दी, तो क्या हो जाए, ही हैज ब्रॉट अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली। ही हैज ब्रॉट अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली। नेक्स्ट, जहाँ निराशा वहाँ आशा, जहाँ निराशा वहाँ आशा। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, मुझे घर पर जरूरी काम है, तो यह हो जाएगा आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। ठीक है, अर्जेंट वर्क नहीं लगे लिखेंगे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने शाम का समय किसी और को दे रखा है, जैसे जो है आप लोग कहते हैं कि मैंने ये समय जो है किसी और को दे रखा है, भाई तुमको नहीं दे सकता हो, तुमसे नहीं मिल सकता हो, तो माई इवनिंग इज बुकड। ठीक है, नेक्स्ट, उचित समय पर प्रयास करो, क्या है, उचित समय पर प्रयास करो, तो स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तब उस पर प्रहार करो, ये भी आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती हैं, यह भी काफ़ी सेंटेंस बढ़िया है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती हैं, तो टू ऑफ आ ट्रेड सेल्डम एग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, हाल में पूर्ण शांति थी, हाल में पूर्ण शांति थी, तो देयर वाज ए पिन ड्रॉप साइलेंस इन द हाल, यानी पूर्ण शांति के लिए मुहावरा यूज होता है पिन ड्रॉप साइलेंस। नेक्स्ट, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया है, ठीक है, तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया है, तो यू स्पॉइल्ड द होल गेम। इसमें माफ़ करिए, स्पॉइल्ड की स्पेलिंग गलत है थोड़ा, आप सही कर लीजिए, एल ई होगा। नेक्स्ट, उसका चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, उसका चिल्लाते चिल्लाते, जैसे लोग कहते हैं चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, तो ही क्राइड हिमसेल्फ हॉर्स, क्राइड हिमसेल्फ हॉर्स होता है आइडियम। नेक्स्ट है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते, यह भी एक मुहावरा है, तो इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। नेक्स्ट सेंटेंस, कहता है उसके दिमाग में कुछ खराबी है, लोग कहते हैं जो वैसा थोड़ा होता है सन की, उसे कहते हैं उसके दिमाग में कुछ खराबी है, तो जाए देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज माइंड, स्क्रू लूज मुहावरा होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप तो व्यर्थ ही मुझसे नाराज हैं, क्या आप तो व्यर्थ ही मुझसे नाराज हैं, लोग कहते हैं, तो यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग। ठीक है, समझ लीजिए इस तरीके से सेंटेंस आप जो है इनको बनाना है। अगला है चिराग तले अंधेरा, अक्सर लोग कहते हैं चिराग तले अंधेरा, तो नियरर द चर्च फारदर फ्रॉम हेवन, क्या होगा, नियरर द चर्च फारदर फ्रॉम हेवन। नेक्स्ट सेंटेंस, शक्कर खोरे को भगवान शक्कर ही दे देता है, ठीक है, यानी जो जैसा करता है भगवान उसको वैसा देता है, तो स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। नेक्स्ट, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, क्या मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने हर अवस्था में मेरा साथ दिया, तो ही स्टूड बाई मी थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन जो है आइडियम है। नेक्स्ट, वह हर बात में मनमानी करता है, तो ही हैज हिज ओन वे इन एवरी थिंग, एवरी थिंग की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, इसको समझ लेना आप लोग, एवरी थिंग लिखा हुआ, ही हैज इज ओन। नेक्स्ट सेंटेंस, यह तो केवल दिखावा है, तो इट इज एन आई वास, दिखावा आई वॉश होता है, ठीक है, तो इट इज एन आई वॉश, ठीक है,
हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, धैर्य रखो, इतने निराश मत हो। जैसे लोगों को कहते सुना होगा भाई धीरज रखो, इतना निराश क्यों होते हो, तो बैक अप, डोंट फील सो डाउन कास्ट, बैक अप, डोंट फील सो डाउन कास्ट। नेक्स्ट, बच्चों का आधा टिकट लगता है, रेलवे में देखा होगा आप लोगों ने कहते हुए लिखा हुआ, तो चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर, चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, नमस्ते अब मैं जाता हूँ। जैसे आप लोगों को कहीं जाते हो तो अगर कहना पड़े अंग्रेजी में तो क्या कहोगे, गुड बाय आई एम नाउ ऑफ, गुड बाय आई एम नाउ ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं गलती से रस्सी को सांप समझ बैठा, तो आई टूक द रोप फॉर अ स्नैक। ये शायद सेंटेंस रिपीट हो गया है गलती से, तो इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। स्वास्थ्य ही धन है, तो क्या हो जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, क्या हो जाएगा, हेल्थ इज वेल्थ, अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सदैव उसकी सेवा में उपस्थित हूँ, तो आई एम ऑलवेज एट हिज प्रपोजल, क्या हो जाएगा, आई एम ऑलवेज एट हिज प्रपोजल। लास्ट सेंटेंस आपका अब आ रहा है, सेंटेंस शतक पूरा होने वाला है आपका, हम सबको तुम्हारी बहुत याद आती है, तो वी ऑल मिस यू वेरी मच। ठीक है, इस तरीके से सेंचुरी आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलें ही नहीं। अगर हाँ, किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करें, जिससे हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दें। ठीक है, अगली सेंचुरी फिर आपकी जल्दी ही आएगी, इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचें। धन्यवाद।